हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम कॉम्पिटिशन क्लासेस। हमने इंडियन रिवर सिस्टम यानी कि भारत की नदियों वाले पूरे चैप्टर में हिमालयन रिवर्स कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र रिवर तीनों कंप्लीट कर ली है डिटेल के अंदर। किसी स्टूडेंट ने जो आज हमें पहली बार देखना हो, उसको नहीं पता हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे। ओके, सो आज हम शुरू कर रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। हमने देखा था कि अगर आप सोर्स यानी उद्गम के बेसिस पर डिवाइड करो तो नदियों को हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में डिवाइड कर सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आज हम शुरू करेंगे, ये भी दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, वेस्ट फ्लोइंग यानी कि जो इस तरफ आएंगी और अरेबियन सी अरब सागर में आके मिलेंगी, और ईस्ट फ्लोइंग जो कि बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलेंगी। डिटेल करेंगे, एक एक नदी को डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार बेसिक से शुरू करते हैं। सो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये रिवर्स कौन सी है जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू या स्मॉल हिल्स ऑफ इंडिया से इन द साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री निकलती हैं। तो आपको पठार वाला इलाका पूरा पता है, ठीक है, वहाँ से, वहाँ प्लेट्यूज से या छोटी छोटी हिल्स से जो नदियाँ निकलती हैं, मेजरली तो वेस्टर्न घाट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग होती हैं, कुछ ईस्ट फ्लोइंग यानी पूर्व की ओर बहती हुई, और थोड़ी बहुत वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ भी होती हैं, तो वो सारी पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। खास खास बातें इनकी एक बार देख लीजिए, लार्जली सीजनल होती हैं, मतलब ये कोई परमानेंट सोर्स नहीं है कि साल भर पेरिनियल बहेंगी, पेरिनियल मतलब पूरे साल बहती हूँ, सारी नदियाँ ऐसी नहीं हैं, लार्जली सीजनल होती हैं, बारिश के टाइम में, रेनी सीजन्स में बहती हैं, और कुछ पेरिनियल भी होती हैं बट लार्जली नॉन पेरिनियल होती हैं। मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट यानी पूर्व की ओर, अधिकतर नदियाँ जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट यानी पूर्व की ओर बहती हुई होती हैं, और कहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट्स में से। देखिए, अभी मैंने आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ, इस साइड वेस्टर्न घाट्स होते हैं और इधर ईस्टर्न घाट्स होते हैं। सो अधिकतर नदियाँ वेस्टर्न घाट्स वाली साइड से निकल के और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की ओर भी बहती हुई आएंगी, हम अभी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, राइट। सो अधिकतर क्या है, ईस्ट फ्लोइंग है और वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं और वहाँ डेल्टा बनाती हैं। जितनी भी नदियाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर यानी अरेबियन सी की तरफ आएंगी, वेस्ट फ्लोइंग होंगी, वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, वो एस्चुरी बनाएंगी। क्यों होता है ऐसा, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं, वाटर डिवाइड का मतलब इधर की नदियों और इधर की नदियों को सेपरेट करने का काम करते हैं। अब हम बोलेंगे या आप पूछेंगे कि मैम इस तरफ तो नदियाँ ही कौन सी होंगी, तो होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी कुछ नदियाँ होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ भी यानी वेस्ट की तरफ भी रिवर्स होती हैं जो अरब सागर अरेबियन सी में आके मिलती हैं, और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये डिवाइड का काम करते हैं नदियों को ईस्ट और वेस्ट की तरफ भेजने का, बीच में ये एक तरह से अड़चन है इन दोनों नदियों को। वाटर डिवाइड क्या होता है, दो रिवर सिस्टम्स को मिलने नहीं देता, ठीक है, जैसे हमने अंबाला वाटर डिवाइड पढ़ा था, तो वेस्टर्न घाट्स भी क्या करते हैं, वाटर डिवाइड का काम करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को आपस में मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि उठा हुआ एरिया है, ओके। अब जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनकी खास बात क्या है, ये लो वेलोसिटी ऑफ वाटर लेकर के जाती हैं, स्पीड से आप इसको आंक लीजिए, जो हिमालयन रिवर्स थी वो तेज़ बहाव से आती थी क्योंकि बहुत ऊंचाइयों से गिरती थी। अब पेनिनसुलर पठार वाला इलाका है, प्लेट्यू वाला इलाका है, तो बहुत ऊंची ऊंची हाइट तो होगी नहीं, तो यहाँ जो रिवर्स होती है वो बहुत स्पीड में नहीं जाती, ओके, लो वेलोसिटी है। दूसरा, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम है, क्योंकि देखिए ऊंचाई से आएंगी तो फास्ट आएंगी तो बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ लेकर के आ सकती हैं, लेकिन जब नदी धीरे धीरे चलती है तो लोड भी छोड़ती चलती है, तभी तो डेल्टा बनाती है, राइट। इसीलिए जितनी भी अधिकतर नदियां बे ऑफ बंगाल की साइड जाती हैं वो डेल्टा बनाएंगी, डिटेल अभी मैं और बताऊंगी जब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लो वेलोसिटी ऑफ वाटर होता है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कितना भार लेके चल सकती हैं नदियाँ, वो भी इनका कम होता है बिकॉज ऑफ लो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी ऊंचाई और नीचाई में स्लोप कितना है बेसिकली, तो स्लोप इतना नहीं होता, इसलिए ये दोनों ही बातें होती हैं, ठीक है, बेसिक बातें समझ में आ गई, फाइन। अब देखो, हमने कहा था अधिकतर नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग होंगी पेनिनसुलर रिवर्स, लेकिन दो लॉन्ग रिवर्स, बहुत सी और नदियाँ भी हैं, लेकिन दो ऐसी लंबी रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं,
दो लंबी नदियां, छोटी छोटी तो और भी बहुत सी नदियां हैं, सो टू लॉन्ग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, नर्मदा और तापी, ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया से निकलती है बेसिकली, अभी मैं डिटेल बताऊंगी आपको। तो ये दोनों क्या करती हैं, ये सेंट्रल इंडिया जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज अभी मैं आपको समझाऊंगी उससे निकल कर वेस्ट की तरफ आती हैं, और एज वेल एज दोज ओके, और ये क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी जिसको हम ज्वार नदी मुख भी कहते हैं हिंदी में, वो बनाती हैं, ठीक है। अब इन दो के अलावा दोज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फॉलिंग इनटू अरेबियन सी, जैसा कि मैंने बताया जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ से भी निकल के नदियाँ अरब सागर में जाके मिलती हैं, तो ये नदियाँ भी ईस्ट फ्लोइंग होंगी, लेकिन दो लंबी, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग नहीं, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग होंगी, लेकिन दो ऐसी लंबी नदियां जो कि वेस्ट फ्लोइंग होंगी उनके नाम हमने बता दिए और इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। बाकी छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में यानी पश्चिम की ओर जाके अरब सागर में मिलती हैं, ठीक है। अब ऐसी नदियां जो कि वेस्ट फ्लोइंग है वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, क्यों, ठीक है। तो अब देखिए एस्चुरी डेल्टा क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं फिर देखेंगे क्या है। वैसे तो मैंने जब आपको गंगा रिवर सिस्टम बताया था तब भी एस्चुरी और डेल्टा का डिफरेंस समझाया था, वापस देख लेते हैं। एस्चुरी जिसे हम ज्वार नदी मुख बोलते हैं वो क्या होता है, यहाँ से एक नदी आ रही है, ठीक है, वो यूजुअली क्लोज्ड एरिया होता है आसपास का कोस्टल एरिया, यहाँ से आ रही है नदी और यहाँ पे वो समुद्र या सागर जिसमें मिलेगी, और ये वाला पूरा इलाका होता है जहाँ इन दोनों का पानी मिक्स होता है, ठीक है। यानी ये नदी फैलती नहीं है टुकड़ों में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में या छोटे छोटे चैनल्स में बंटती नहीं है, वैसी की वैसी नदी आती है और आसपास इलाकों से घिरी हुई, कोस्टल एरिया से घिरी हुई सीधे जाके सागर या महासागर में मिल जाएगी। सो सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी, सेमी क्लोज्ड, साइड साइड से ऑलमोस्ट बंद होती है, यहाँ से नदी के लिए रास्ता होता है और आगे समुद्र या सागर में मिलने के लिए रास्ता होता है, एंड इट्स कनेक्टेड टू दी ओपन सी, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जहाँ नदी आएगी और अपने डिपोजिशन जो भी वो मिट्टी पत्थर सब लेके आई है वो इकट्ठा करती जाएगी, सेडिमेंटेशन, और छोटे छोटे ब्रांचेज में बंटती जाएगी और फिर जाकर के सागर या महासागर से मिलती है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो बना रही है इसको डेल्टा कहा जाता है, अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट कैरेड बाय अ रिवर, ठीक है। तो ये डेल्टा कहाँ बनेगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी उनसे पहले डेल्टा बनाती है, जैसा कि हमने गंगा में और ब्रह्मपुत्र में भी देखा था, और एस्चुरी ज्वार नदी मुख जो अरेबियन सागर में गिरेंगी। क्यों, क्यों नहीं डेल्टा बनता इस साइड वाली नदियों में, क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक्स होते हैं, बहुत सख्त पत्थर, पथरीला इलाका है जो भी अरेबियन सी के साइड में, अभी मैं आपको बताऊंगी गल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी से होकर के अरेबियन सी में अरब सागर में मिलती हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो वो जो इलाका है बहुत पथरीला और सख्त पत्थरों वाला इलाका है, तो वहाँ नदी बिखर नहीं पाती, ठीक है, और दूसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बहुत नहीं बन पाती, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी बनेगी, कुछ डिपोजिशन होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी बनेगी तब डेल्टा बनेगा, लेकिन वहाँ हार्ड रॉक्स होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और सीधे सीधे जाती हुई नदी अरब सागर में मिल जाती है, इसलिए एस्चुरी फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्यों अरेबियन सी वाली साइड पे यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे, पूरा टेरेन उस तरह का है इस वजह से ना। अब हम शुरू करते हैं मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया की पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी प्रमुख नदियां हैं, तो देर आर फोर रिवर्स जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, और वही मेजर रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग, नर्मदा जो कि सबसे बड़ी सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, तापी जिसे ताप्ती भी कहते हैं, माही नदी और साबरमती, ये चार नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, जिनमें सबसे लंबी और ये सेकेंड नंबर पर लंबी नदी है जिसको हमें पढ़ना है, और ये दो नदियां और है माही और साबरमती, ठीक है। तो चलिए अब उससे पहले खम्बात की खाड़ी के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि सारी नदियां अरब सागर से या अरेबियन सी से कहाँ आके मिलेंगी, थ्रू गल्फ ऑफ खम्बात, जिसको कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता था। तो ये देखो, ये गुजरात आपको पता होगा, ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये वाला इलाका देखिए, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ खम्बात, राइट, दो खाड़ियां बोलते हैं या दो गल्फ बोलते हैं, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला जो इलाका है, राइट, और ये वाला इज गल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी, राइट, इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता था, नाउ इट इज मोर पॉपुलरली नोन एज गल्फ ऑफ खम्बात, अ बे ऑन अरेबियन सी कोस्ट ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग गुजरात, गुजरात के बॉर्डर पे
जो ये एक पूरा कोस्टल एरिया है, सी कोस्ट है, उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। करीब 200 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर वाइड है इधर शुरुआत में, और थोड़ा साउथ में जाते जाते 70 किलोमीटर वाइड तक ये हो जाता है ये पूरा एरिया। और मेजर रिवर्स जो यहाँ आके गल्फ ऑफ खंबात में यानी खंबात की खाड़ी में अपनी एस्चुरी या ज्वार नदी मुख नहीं जल नदी मुख बनाएंगी वो है नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, और चारों ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंबात समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको मत समझ लेना भाई, ठीक है, सब यहीं आएंगी। ओके चलिए, सो अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली पेनिनसुलर रिवर और सबसे लॉन्गेस्ट भी वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स में, जो कि है नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी। देखिए ये वाला पिक्चर पर्टिकुलरली मैंने लिया ताकि आपको सतपुड़ा और विंध्या रेंज भी दिख सके। ये आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है और ये गुजरात है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे सतपुड़ा रेंज आती है और उससे थोड़ा सा नॉर्थ में ये विंध्या रेंज आती है। जब मैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया लेके आऊंगी, रिवर सिस्टम इंडिया का खत्म होते ही हम फिजिकल फीचर्स लेके आएंगे, उसमें आपको ये सारे फीचर्स समझाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये अब छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां हैं, माइकल हिल्स बोलते हैं इनको। ओके, तो इन दोनों हिल्स के बॉर्डर पे ऑलमोस्ट माइकल हिल्स और सतपुड़ा रेंज के बॉर्डर पे अमरकंटक प्लेट्यू की हिल्स में से निकलना शुरू होती है नर्मदा नदी। ठीक है, ये दोनों पहाड़ियां इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखो वैसे जो पूरा जब मैं सिस्टम आपको पूरा फिजिकल सिस्टम समझाऊंगी फीचर्स का तब भी बताऊंगी, ये जो पूरा पठार इलाका है या जो पूरा प्लेट्यू रीजन है ये थोड़ा पूर्व की ओर तिरछा हो रखा है ना, इसका जो स्लोप है वो ईस्ट साइड में है तो नेचुरली रिवर्स उधर फ्लो करती हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स आते हैं, वेस्टर्न घाट्स का स्लोप भी कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, तो नदियाँ नेचुरली उस साइड फ्लो करती हैं। लेकिन सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के जो बीच वाला ये इलाका है ना, ये एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली ऐसे समझिए कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, हमने जब ओशंस वगैरह भी पढ़ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, नहीं तो अलग से इनका एक कभी सेशन लेंगे, तो जब वो थोड़ा सा खिसक जाती हैं, जैसे ये दो, एक ये टेक्टोनिक प्लेट है और एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, जब ये थोड़ा खिसकी तो बीच में एक रिज बन जाता है। ओके, ये जो रिज है इसी तरह का रिज सतपुड़ा और विंध्या रेंज के बीच में भी है, घाटी जैसा वैली जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, तो दोनों तरफ, एक तरफ सतपुड़ा एक तरफ विंध्या रेंज और बीच में रिज है, उस रिज का जो स्लोप है यानी उसकी जो ढलान है वो वेस्ट की तरफ आती है। ये बात समझ में आई, इसलिए यहाँ से जो नदियाँ ओरिजिनेट होंगी वो ऑटोमेटिकली पूरे प्लेट्यू का तो स्लोप वेस्ट में है, लेकिन ये नदियाँ फिर भी वेस्ट में क्यों नहीं जाती, क्योंकि इन दोनों पहाड़ियों का जो स्लोप है, इनकी जो वैली का स्लोप है वो वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली नदियाँ इस तरफ बहेंगी। समझ में आ गई बात। ओके, तो अब देख लीजिए नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक हिल्स या अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास में, और यहाँ ये नॉर्दर्न साइड ऑफ सतपुड़ा रेंज से होती हुई बहती हुई और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के थोड़े से बॉर्डर पे भी बहती है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे भी बहती है, और फिर ये गुजरात एंटर कर जाती है, ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ठीक है, और भारूच के पास में गल्फ ऑफ खंबात में अरब सागर में आके मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बह रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया से निकलती है अमरकंटक से, फिर होती हुई बॉर्डर पे एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे फ्लो करती है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे फ्लो करती है, फिर गुजरात में एंटर कर जाती है, तो मेजरली मध्य प्रदेश और गुजरात में बह रही है, और यहाँ पे भरूच शहर के पास में और खंबात की खाड़ी में से अरेबियन सी में मिल जाती है। डन, ओके, अब पढ़ लेते हैं फटाफट। नर्मदा नदी को रेवा या पहले नर्मदा नदी भी कहा जाता था। ओके, ओरिजिन जैसा कि मैंने बताया अमरकंटक पीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ सतपुड़ा रेंज, देखो सतपुड़ा मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये पूरी सतपुड़ा है, ये इसका नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हो गया, यहां से निकलती है नियर अनुपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, मैंने रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट बताया, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में एक वैली है जिसका स्लोप वेस्ट की तरफ है, बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, विंध्या नॉर्थ की तरफ सतपुड़ा साउथ की तरफ है, ड्रेन्स अरेबियन सी नियर गल्फ ऑफ खंबात वेस्ट ऑफ भारूच सिटी ऑफ गुजरात। कुछ याद करने का नहीं है, अगर मैप ध्यान से देख लिया, मैं बताती जा रही थी आप देखते जा रहे थे, तो सेट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग
रिवर इन पेनिनसुला, पेनिनसुलर रिवर्स में से, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से सबसे बड़ी और लंबी कौन सी हो गई? ये हो गई, ठीक है। नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात, मेनली तो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहा जाता है, गुजरात में से भी मेजर पार्ट जाता है, तो लाइफ लाइन ऑफ एमपी और गुजरात इसे कहते हैं। टोटल लेंथ अगर हम देखें अमरकंटक से निकल के और गल्फ ऑफ खंबात तक, तो इसका 1310 किलोमीटर यानी 1310 किलोमीटर की पूरी लंबाई पड़ती है। कोई प्रॉब्लम नहीं नर्मदा में यहां तक, ओके। अब ये देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और, बहुत सारे गॉर्जेस यानी गार्ज बनाती हुई, गॉर्ज या गार्ज क्या होता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में से जब नदी अपना रास्ता काटती हुई निकलती है उसको गॉज कहते हैं, और बहुत सीनिक ब्यूटी बनाती है यानी देखने लायक दृश्य बनाती है। तो नर्मदा नदी बहुत सारे गॉजेस भी बनाती है और वाटरफॉल्स भी बनाती है, जिनमें से एक फेमस वाटरफॉल है धुआंधार फॉल, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, और ये बेड़ाघाट के पास जबलपुर एमपी के अंदर बनाती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, और यहाँ पे जब पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है तो बहुत सारी पानी से धुआं जैसा निकलता है, इसलिए इसको धुआंधार फॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो धुआंधार फॉल्स जबलपुर के पास एमपी में कौन सी नदी पे बनता है? नर्मदा पे। फिर देख लीजिए मेजर डैम्स कौन कौन से हैं नर्मदा नदी के ऊपर, तो सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये हैं, तो हमने ये बता दिए। जब हम डैम्स या रिवर प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये वापस डिटेल में आएंगे, इसलिए अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर एक बहुत फेमस नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क नर्मदा के ही अपर रीचेज में यानी थोड़ा दूर ऊपर वाले जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं नर्मदा की उन पे बना हुआ है, उस एरिया में बना हुआ है। सो लोकेटेड इन दी अपर रीचेज ऑफ नर्मदा, दो ट्रिब्यूटरी हैं नर्मदा की, बहुत सारी हैं। देखो ट्रिब्यूटरी का नाम लिया तो मैं यहीं बता दूं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं नर्मदा की भी आएंगी और ताप्ती की भी आएंगी, माही की भी आएंगी, साबरमती की भी आएंगी, लेकिन ये प्रमुख नहीं है क्योंकि छोटी छोटी हैं, इतनी छोटी तो नहीं है, बड़ी है लेकिन छोटी छोटी नदियां हैं, और इसलिए इनको हम डिटेल में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना सवाल बनते हैं, इसलिए आप सिर्फ मेन मेन नदी पढ़ेंगे। तो दो नदियां सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की, हालों और बंजर, वो इस पार्क से गुजरती हैं। और वो जंगल बुक मूवी थी ना, चड्डी पहन के फूल खिला है, उसमें वो जो पूरी कहानी थी वो कान्हा नेशनल पार्क पे ही चित्रित थी यानी उसी पे बेस्ड थी, राइट। रुडयार्ड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक, सो उसमें यही हमारा कान्हा नेशनल पार्क था। एनीवेज, सो कान्हा नेशनल पार्क कौन सी नदी के पास बसा हुआ है? तो आंसर इज नर्मदा नदी, उसकी दो सहायक नदियां हालो और बंजर यहां से बहती हैं, और कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए भी बहुत जाना जाता है। सो इसी के साथ हमारी नर्मदा नदी खत्म हो गई, याद हो गया सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर की बड़ी वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, जो कि है तापी या ताप्ती, ठीक है। तो देख लीजिए, ये रही तापी, बाजू बाजू ही चल रही है नर्मदा के, है ना, नर्मदा थोड़ी आगे से आती है, ये भी सेंटर ऑफ इंडिया से ही निकल रही है, ये सतपुड़ा में नॉर्थ ईस्टर्न से आ रही थी, ये ऑलमोस्ट सेंट्रल पॉइंट से आती है, और ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलेगी, मध्य प्रदेश से होके सतपुड़ा को कट करके साउथ में आके महाराष्ट्र में बहती है, और फिर गुजरात में जाके वही गल्फ ऑफ खंबात से अरेबियन सी में मिल जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए, ओरिजिन है मुलताई इन बेतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो तापी, जब आप बहुत तपन होती है ना स्किन पे, बहुत तपते हो तो मुल्तानी मिट्टी लगाते हो ठंडक मिलने के लिए, सो तापी मुल्तानी से मुलताई आप याद रख सकते हो अगर आप चाहो तो। अमरकंटक तो बहुत फेमस था नर्मदा अमरकंटक, इसलिए मैंने याद नहीं करवाया, ठीक है। सो मुलताई, तापी का संबंध मुलताई से हो गया, बेतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ईस्टर्न सेंट्रल ऑफ अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा, तो ये देख लो ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट से निकल रही है, फ्लोज वेस्टवर्ड, क्यों, वही रिज जो मैंने आपको वैली वाला पार्ट बताया था, क्रॉसिंग सतपुड़ा इन द सेंटर एंटर्स महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में चली जाती है, तो तीन स्टेट्स बेसिकली कवर कर रही है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, और जो नर्मदा थी वो एमपी और गुजरात, महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करती है, करीब 35-40 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है, पर मेनली दो डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, ठीक है। कहाँ ड्रेन करेगी? गल्फ ऑफ खंबात, सूरत डिस्ट्रिक्ट के पास में, हम मुल्तानी लगा के क्या कर रहे हैं, सूरत सुंदर बना रहे हैं ना, तो सूरत डिस्ट्रिक्ट के पास में हाजिरा मैनग्रोव, ये एक पोर्ट एरिया है, ठीक है। तो हाजिरा मैनग्रोव के पास में ये खंबात गल्फ से अरेबियन सी में मिल जाती है, मैं फोटो दिखाती हूँ हाजिरा मैनग्रोव का, ये देखो, आ जाओ, ये हमारा गल्फ ऑफ खंबात है, ओके, दिस इज द गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ देखो, यहाँ ये कम किलोमीटर्स अराउंड, हमने क्या बोला था 20 समथिंग किलोमीटर्स चौड़ा, और यहाँ आते आते करीब
50 समथिंग किलोमीटर चौड़ा हो जाता है, ऐसे हमने कुछ बात की थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ नर्मदा आती है और अपनी ऐश्वरी बनाती है, ये वाला जो खंभात का, ये अभी माही हमने पढ़ी नहीं है, माही भी आएगी, वो भी गल्फ ऑफ खंभात में मिलेगी। ये नर्मदा, मेरा मार्कर हमेशा मर जाता है बोर्ड पे चलते टाइम। सो ये है नर्मदा और ये हाजिरा टाउन है, ठीक है। सो ये हाजिरा टाउन, यहाँ कौन आएगी, कौन सी नदी आएगी, जल्दी बताओ, तापी, ठीक है। सो तापी नदी जो है वो ये रही, यहाँ हाजिरा टाउन या हाजिरा मैंग्रोव, यहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो थोड़े दलदल में रहते हैं, रूट्स इनकी थोड़ी ऊपर रहती है पानी से ताकि ये ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। मैंने जब आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बताया था, सुंदरबन डेल्टा, तो भी हमने मैंग्रोव पे डिटेल में चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब देखो तापी के बारे में कुछ और बातें, इसको ट्विन या हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, क्योंकि नर्मदा के ऑलमोस्ट साथ साथ ही पास पास से ही जाती है, तो इसको हैंडमेड या ट्विन ऑफ नर्मदा कहते हैं। इसका जो बेसिन है, यानी जो इसका पूरा बहाव क्षेत्र है, वो किन किन माउंटेन्स या हिल्स से घिरा हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो पूरा क्षेत्र है बहाव वाला बेसिन, जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा रेंज, नॉर्थ में तो सतपुड़ा है ही, क्योंकि सतपुड़ा कट करके साउथ से बह रही थी, महादेव हिल्स आ जाती है ईस्ट में। तो ऊपर तो आ गई सतपुड़ा, यहाँ आ गई महादेव हिल्स, सातमाला हिल्स आती है साउथ में, सातमाला हिल्स साउथ में, और अरेबियन सी में तो जा ही रही है वेस्ट में, तो ये अरब सागर हमारी आ गए, ठीक है। तो सतपुड़ा हमें पता ही है क्योंकि हमने उसका पूरा कोर्स देखा, अरब सागर हमें पता ही है, बस हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ महादेव और यहाँ सात, ठीक है। तो महादेव को साथ साथ लिए लिए ये चलती है, आप ऐसे याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए अगर आपको टेक्निक से याद तो मत रखो, लड़ना मत इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो अब कौन कौन से मेजर डैम्स बने हुए ताप्ती रिवर पे, तो एक उकाई डैम है, उकाई बांध जिसे कहते हैं वो गुजरात में है, और दूसरा हथनूर डैम और गिरना बांध है, हथनूर बांध और गिरना बांध ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। उकाई इज एन इम्पॉर्टेंट डैम, हथनूर एंड गिरना आर अदर डैम्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। इंडस्ट्री, क्योंकि देखो ये दो इम्पॉर्टेंट शहर हैं, बेसिकली एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एमपी में और गुजरात में, दोनों में एक एक शहर है जहाँ ये जहाँ से होती हुई जाती है, और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज़ हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूँ, सूरत, सूरत के पास ही खंभात की खाड़ी में मिल रही थी, सूरत इज़ नोन फॉर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़, तो सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और पेपर और न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है नेपानगर एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो वो भी इसी नदी के किनारे या इसके बेसिन में पड़ता है, नेपानगर पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री, पेपर नेपानगर मिलता जुलता ही है, ठीक है। और सूरत से आपको टेक्सटाइल फैक्ट्री याद रह जाएगा। और इसी के साथ तापी खत्म, नर्मदा पढ़ ली, तापी पढ़ ली, दोनों सतपुड़ा से निकल रही थी, ठीक है। अब आते हैं माही नदी पे, हाँ माही नदी का जो उद्गम है यानी कि जो सोर्स है वो विंध्यास से होगा, विंध्या ध्यान है ना, नीचे सतपुड़ा थी ऊपर विंध्या थी, ठीक है। तो विंध्या रेंज में एमपी से ही इसकी शुरुआत हो रही है, फ्लोज नॉर्थवर्ड। अब देखो ये रही माही, एक बार देख लो, जो हमारे माही धोनी भैया भी हैं उन्होंने भी बहुत ऊंचाइयां छुई है ना, एकदम से ऊंचाई पे पहुंचे, तो ये भी ऊपर जा रही है, तो शुरू हो रही है एमपी से, ये गई ऊपर, कहाँ जाएगी, राजस्थान में, और फिर आ रही है गुजरात में, और खंभात की खाड़ी में आके अरब सागर से मिल जाएगी, ठीक है। ये देख लो एकदम तिलक कर रही है, ये इस तरह का शेप है इसका, ओके। सो नॉर्थवर्ड्स टू वागड़ रीजन ऑफ राजस्थान, कई जगह ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो और कुछ वीडियोस देखोगे या कहीं जगह प्रोनंसिएशन सुनोगे, मैंने बहुत अजीब अजीब प्रोनंसिएशन सुने, कुछ लोग वगाड़ बोलते हैं, कुछ वागद बोलते हैं, दिस इज वागड़, ओके। वागड़ क्षेत्र है राजस्थान का, बेसिकली ये वाला इलाका होता है जिसमें आपके बाड़मेर और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने दिया हुआ भी होगा इसके अंदर, पहले वागड़ बता देती हूँ आपको, रुक जाओ, ठीक है, हाँ वागड़ रीजन दे रखा है, ठीक है, बाड़मेर और डूंगरपुर वाले इलाके आएंगे। अब क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ मुझे तो डिस्ट्रिक्ट्स पता है, आपको नहीं पता होगी इसलिए एक बार बता देती हूँ, ये वागड़ क्षेत्र से गुजरती है। तो वागड़ क्या है, वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं इसको, नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्टर्न राजस्थान है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, और मेनली दो डिस्ट्रिक्ट्स इसको कवर करते, इसके अंदर आती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और डूंगरपुर उसके पास में ही पड़ता है, और यही दो मेजर सिटीज़ भी हैं। और माही नदी को राजस्थान की लाइफलाइन भी, सॉरी वागड़ रीजन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि वागड़ से होकर के ये प्रमुख नदी है जो गुजरती है, ठीक है। अब वागड़ पढ़ो, थोड़ा दिमाग में रहेगा।
सो नॉर्थवर्ड्स जाती है वागड़ रीजन ऑफ राजस्थान. अब पता है दो डिस्ट्रिक्ट आती है वागड़, तो ये हो गया साउथ ईस्ट राजस्थान जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर आ जाएगा. फिर एक यू टर्न लेती है और गुजरात में एंटर कर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में. ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन ये जहाँ जहाँ से होके गुजर रही है, जो इसका पूरा बहाव क्षेत्र है या बेसिन है, वो अधिकतर एग्रीकल्चरल यूजेस में आ रहा है. मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल यूज़ ज़्यादा है. 63.63% टोटल इसके ड्रेनेज एरिया का या बेसिन का एग्रीकल्चरल पर्पज से यूज़ होता है. बहुत से हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड हैं कुछ डैम्स पे, जैसे कि माही बजाज सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, और एक कडाना बांध भी बोलते हैं, कडाना डैम, ये राजस्थान में पड़ता है और ये शेयर होता है. सो स्टेट्स के अंदर में जब हम डैम्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगी. सो माही बजाज सागर डैम और कडाना डैम इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं. ऑल राइट, वागड़ हमने बता ही दिया, इसके साथ में माही खत्म. अब हम आते हैं साबरमती, जो कि मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से आखिरी नदी है. सो साबरमती नदी, अब देखो सतपुड़ा रेंज से शुरू होने वाली हो गई, विंध्या रेंज से शुरू होने वाली हो गई, अब आते हैं अरावली. अरावली कहाँ पड़ेगी? राजस्थान, ये वाला इस बेल्ट में है ना, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में यहाँ पे अरावली रेंजेस आती हैं. जब हम फिजिकल फीचर्स करेंगे तो ढंग से बताऊंगी. सो अरावली साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट, हाँ एग्जैक्टली, है ना, मैंने वेस्ट तो नहीं बोल दिया. मैं कई बार दिमाग में कुछ चलता है, बोलती कुछ हूँ जल्दबाजी के चक्कर में. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपकी अरावलीस. सो ये इसका ओरिजिन कहाँ है? अरावली हिल्स इन उदयपुर राजस्थान. उदयपुर इज अ ब्यूटिफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, झीलों की नगरी भी है वो. सो वहाँ से निकलती है साउथ वेस्ट पार्ट से, ये देखो ये वेस्ट और साउथ पार्ट, यहाँ से ये निकल रही है और एंटर कर जाती है गुजरात में एंड फ्लोज थ्रू अहमदाबाद. कौन सा एक ऐसा शहर है जो इसके किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद. ठीक है, साबरमती, साबरमती आश्रम, ठीक है ना, अहमदाबाद याद रहेगा. सो अरावली की साउथ वेस्ट पार्ट से निकल रही है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से, राजस्थान में बह के मेजरली गुजरात में बहती है ये. ठीक है, और गल्फ ऑफ खंबात में आकर के ड्रेन हो जाएगी. ये देखो नर्मदा के ऊपर यहाँ पे हमने देखा भी था जब गल्फ ऑफ खंबात की फोटो देखी. ये भी मेजरली एग्रीकल्चरल एरिया की तरह यूज किया जाता है इसका पूरा बेसिन, और 74.68% लगभग एग्रीकल्चरल यूज में ही आता है. ओके, अब रुको यहाँ. अब अगली स्लाइड पे जाने से पहले एक चीज ध्यान से कान खोल के सुन लो. पेनिनसुलर रिवर्स जितनी भी थी वेस्ट फ्लोइंग, वो ये चार ही थी और हमने पढ़ ली है. अब हम एक ऐसी नदी पढ़ेंगे जो भी वेस्ट फ्लोइंग है, पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, है तो डेजर्ट एरिया का पार्ट. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक वेस्ट फ्लोइंग नदी है और ये कहीं भी पढ़ने में नहीं आएगी, हिमालयाज में नहीं आ सकती, पेनिनसुला एग्जैक्ट पेनिनसुलर का पार्ट नहीं है, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग है और डेजर्ट एरिया का पार्ट है, तो हम और इम्पॉर्टेंट नदी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में लेके आए हैं, और वो है लूनी नदी. ठीक है, लूनी नदी जो हमारा इंडिया का जो वेस्टर्न यानी पश्चिमी साइड है वो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट वाला इलाका. सो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है वो है लूनी नदी. ठीक, अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज मत होना. इसको पेनिनसुलर रिवर्स के साथ में हमने क्यों डाला है? क्योंकि ये भी वेस्ट फ्लोइंग यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है. ठीक है, चलिए. सो लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो इंडिया का है वो डेजर्ट है, रेतीला रेगिस्तान इलाका है, और उसकी लार्जेस्ट रिवर और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर भी लूनी नदी ही है. लूनी इज द ओनली रिवर बेसिन ऑफ एनी सिग्निफिकेंस. नदियां बहुत सारी हैं राजस्थान में, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, छोटी मोटी नदियां बहुत हैं, लेकिन अगर सच में कोई इंपॉर्टेंस वाली नदी है जो काम आती हो अच्छे से, तो वो लूनी नदी है. ठीक है, लूनी नदी, अब देखो लूनी क्यों बोलते हैं? लून राजस्थानी में नमक को कहते हैं. ये खारा पानी है इस नदी का बहुत ज़्यादा. जब ये निकलती है, शुरुआत इसकी होती है, अभी मैं बताऊंगी, अजमेर जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ उसके पास ही पुष्कर से, नाग पहाड़ से ये निकलती है. सो जब ये निकलती है तो मीठे पानी की होती है, शुगर वाला पानी नहीं, मतलब फ्रेश वाटर की होती है. लेकिन एक स्थान पड़ेगा बालोतरा, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाके वहाँ का जो ज़मीन है ना उसमें बहुत सॉल्ट्स है, तो वहाँ से खारी हो जाती है, और बहुत खारी हो जाती है इसको, इसलिए इसको लूनी नदी कहते हैं. ठीक है, अब आ जाओ. लूनी नदी और द सॉल्ट रिवर, सॉल्ट रिवर भी कहेंगे, इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ द वाटर इज सॉल्टी बिलो बालोतरा बाड़मेर. जब ये निकलती है, ठीक है, यहाँ से जब ये निकल रही है तब खारी नहीं है, बाड़मेर वाले इलाके में आकर के ये खारी हो जाती है, ये वाला इलाका है. ठीक है, और इसलिए इसका नाम खारी से लूनी पड़ जाता है, बालोतरा. ठीक है, बालोतरा के निकट, और पहले इसका नाम
लावणवरी या लावणवती भी इसको बोलते हैं. लावणवती संस्कृत नेम बेसिकली इसका था और पहले यूज में लिया जाता था. अब ये देख लो कहाँ से निकलती है. वैसे तो मैंने बता दिया नाग पहाड़, ठीक है. नाग पहाड़ सारा नाग ना सारा नमक थूक देता है तो लून थूक देता है तो लूनी नदी नाग पहाड़ ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली. यहाँ पे अरावली आती है ना, तो अरावली के वेस्टर्न स्लोप से इन पुष्कर वैली अजमेर, अजमेर में पुष्कर है, पुष्कर की घाटियों से नाग पहाड़ से ये निकलती है और यहाँ इसको सागरमती नाम से जाना जाता है, ठीक है. वैसे तो अब लूनी भी हर कोई बोलता है लेकिन जब ये ओरिजिनेट होती है तो इसको सागरमती नाम से, साबरमती नहीं है, सागरमती है. सागर का पानी भी खारा, लूनी का पानी भी खारा, ऐसे याद रख लो, ठीक है. फ्लोज साउथ वेस्ट डायरेक्शन करीब 500 किलोमीटर, कई जगह 495 मिलेगा, कई जगह 511 किलोमीटर मिलेगा. मैंने 511 किलोमीटर लिया है बिकॉज मुझे लगा कई जगह पढ़ के दिस द राइट डेटा. राजस्थान में करीब 511 किलोमीटर बहती है और फाइनली रन ऑफ खच, अच्छा ये अरब सागर में जाके नहीं मिल रही है, ठीक है. ये खंबात की खाड़ी तक भी नहीं पहुंचती. रन ऑफ कच्छ ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी आती है, यहाँ रन ऑफ कच्छ में आकर के दलदली सा इलाका बना के विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है. ओके, सो फाइनली फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ जहाँ पे गुम जाती है मार्शेस के अंदर, दलदली इलाके के अंदर. ओके, सो समझ में आ गई सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तापी, माही और साबरमती. फिर हमने एक लूनी नदी पढ़ी क्योंकि ये भी वेस्ट फ्लोइंग थी पर ये डेजर्ट एरिया की नदी है, ठीक है. सो विद दिस आज की क्लास यहीं रोकेंगे. ईस्ट फ्लोइंग जितने भी रिवर्स हैं अब वो सारी, एक लास्ट वीडियो बचा है रिवर्स ऑफ इंडिया, वो लेकर के आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगा. सो स्टे ट्यून, तब तक के लिए स्टे हैप्पी. जितना पढ़ा है रिविजन करो, मैप्स पे प्रैक्टिस करो, पीडीएफ ला रहे हैं कोशिश करके, तो नोट्स तो मैं बार बार यही बोलूंगी पर फिर भी पीडीएफ ला रहे हैं, बस एक हफ्ता और रुक जाओ मैक्सिमम पीडीएफ मिल जाएगा. सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड और जब तक लॉकडाउन है स्टे एट होम. बाय.